हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चालक के प्रतिरोध की निर्भरता। चालक का प्रतिरोध क्या होता है, यह हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, इसलिए आज हम पढ़ेंगे चालक के प्रतिरोध की निर्भरता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें चालक तार की लंबाई पे, अर्थात चालक तार का प्रतिरोध आर तार की लंबाई एल के अनुक्रमानुपाती होता है। जो चालक के तार का प्रतिरोध होता है वो चालक के तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात आप इसे कह सकते हैं जो R होता है वो अनुक्रमानुपाती होगा L के। ये इसके कहने का अर्थ है। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा कौन सा चीज़ है जिस पे चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो वो है दूसरा चीज़ है चालक तार का क्षेत्रफल। चालक तार का प्रतिरोध R तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/A के। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रेंड्स, अनुक्रमानुपाती का अर्थ होता है अगर हम तार का प्रतिरोध लंबाई बढ़ाएंगे तो तार का प्रतिरोध भी बढ़ेगा, या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा तार का प्रतिरोध होगा उतने ही ज़्यादा चालक तार की लंबाई होगी। और व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है यदि क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, यदि प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो चालक तार का क्षेत्रफल कम होगा। तो फ्रेंड्स, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। और किन चीज़ों पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, आइए वो भी देखते हैं। तीसरा चीज़ है हमारा चालक तार के पदार्थ पे, यानी कि यदि भिन्न भिन्न पदार्थ के तार समान लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट एक के लिए जाएँ तो उनके प्रतिरोध भिन्न भिन्न होंगे। कहने का अर्थ ये है कि जैसे तांबे के जो तार का प्रतिरोध होगा वो अलग होगा और चांदी के तार का प्रतिरोध अलग होगा, यानी जैसा पदार्थ होगा वैसे इस पदार्थ का प्रतिरोध भी होगा, अर्थात चालक के तार का प्रतिरोध चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। चांदी के तार का प्रतिरोध दूसरा होगा और तांबे के तार का प्रतिरोध दूसरा होगा। तो अब फ्रेंड्स, हम एक सूत्र का निगमन करेंगे, वो हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हम क्या करेंगे कि समीकरण एक और दो को लेंगे, तो चलिए लेते हैं। फ्रेंड्स, हम लिखेंगे कि समीकरण एक व दो से, समीकरण एक क्या था हमारा, चालक तार का प्रतिरोध हमारा लंबाई के समानुपाती था, और दूसरा क्या था कि चालक तार का प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती था। तो हम लिखे देंगे R समानुपाती है L अपॉन A के। और हम जानते हैं कि जब भी हम कोई अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक बात 100% श्योर है कि एक अनुक्रमांक आके लगता है, एक नियतांक लगता है। तो हम लिख देंगे R इजकल टू रो एल अपॉन ए। इस चीज़ को हम रो पढ़ते हैं, ये जो ऐसे सिंबल बना है इसे हम पढ़ते हैं रो, आर एच ओ। इसलिए हम अगर रो का सूत्र निकालें, अगर इसको हम इधर पक्षांतर कर लें तो रो का हमारा सूत्र क्या आ जाएगा, हमारा रो का सूत्र आ जाएगा R इंटू ए अपॉन एल। ये हमारा रो का सूत्र है और रो को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। तो फ्रेंड्स, अब हम ये भी जान लेंगे कि प्रतिरोधकता क्या होती है। तो आइए देखते हैं कि प्रतिरोधकता क्या होती है। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि प्रतिरोधकता क्या होती है। प्रतिरोधकता को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। किसी चालक तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता उस पदार्थ के 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर² अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होती है। इस सूत्र की उत्पत्ति हमने कहाँ से की, ये जो डिफिनेशन है इसकी उत्पत्ति हमने इस सूत्र से की। हमने क्या कहा, आपने इस डिफिनेशन में हमने कहा कि 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर² अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अगर हम मान लें कि जो लंबाई है वो 1 मीटर है और जो क्षेत्रफल वो 1 मीटर² है, तो इसका जो प्रतिरोध होगा वो इस रो के बराबर होगा। सेम यही चीज़ हमने यहाँ पर स्टेटमेंट के तौर पर लिखी है। तो यदि आपका एग्जाम में प्रतिरोधकता का डिफिनेशन आता है तो आप इसे लिख देंगे और ये सूत्र भी लिख देंगे। प्रतिरोधकता की एक और डिफिनेशन होती है जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वो भी देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसकी एक और डिफिनेशन ये होगी कि जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, कोई चालक मान लीजिए कि ये है, तो ये चालक तार है, इसमें जब हम कोई वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ई तथा धारा घनत्व जे। धारा घनत्व क्या होता है, हमने बताया था आपको कि किसी एकांक क्षेत्रफल में धारा प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। तो
तो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चालक की प्रतिरोधकता। अर्थात ये क्या कह रहा है कि P इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू E अपॉन J। ये सूत्र भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ये भी सूत्र याद रखिएगा। फ्रेंड्स, प्रतिरोधकता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप वो भी चाहें तो नोट। इंपॉर्टेंट नोट्स ये है फ्रेंड्स कि प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। अर्थात आपसे भी पूछ सकता है कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो आप वही डिफिनेशन लिख देंगे। और दूसरा, इसका मात्रक ओम मीटर होता है। ये ओम मीटर इसका मात्रक कैसे आया है देखते हैं। हमने लिखा था कि रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। तो हम जानते हैं कि जो आर क्या है हमारा प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम। ए क्या है हमारा एरिया है, एरिया का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। और लंबाई का मात्रक क्या होता है हमारा मीटर। तो यहाँ पर मीटर से यहाँ पे एक मीटर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचा क्या मीटर। इसलिए हम रो का मात्रक कैसे निकाल लेंगे, ओम का मात्रक हमारा हो जाएगा, रो का मात्रक क्या हो जाएगा हमारा ओम मीटर। और फ्रेंड इसकी बीमा क्या होती है, आइए वो भी देखें। फ्रेंड्स इसकी बीमा एम एल का पावर 3, टी का पावर -3, ए का पावर -2 होता है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।